हम लोग सर्कल में कहाँ तक पढ़े थे? इंटरसेप्ट तक पढ़े थे ना, सर्कल में इंटरसेप्ट तक हाँ पढ़े सर, थे। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। देखो, हम लोग को सर्कल बहुत जल्दी ही खत्म करना होगा, और पैराबोला एक बार पढ़ चुके हैं तो मैं पैराबोला रिवाइज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, उससे बेटर होगा कि सर इलिप्स और हाइपरबोला कर लूँ। सर आप बोलो। सर सुनील कुमार सर बोले कि पैराबोला रिवाइज करने को बोलो। पैराबोला भी रिवाइज करना है। अच्छा ठीक है, उसको भी रिवाइज कर लेंगे, लेकिन सर्कल कुछ को नहीं, जल्दी स्टूडेंट निपटा, है समझ गया? सर। सर्कल को अब जल्दी निपटा देता हूँ। सर्कल में और कोई पार्ट जो तुम लोग को नहीं समझ में आया हो स्पेसिफिकली, अगर जो पार्ट समझ में आ गया हो तो जरूरी नहीं है कि सबको डिटेल में रिवाइज करना। आइए ठीक है, रिवाइज करते हैं ना अपने अकॉर्डिंग। देखिए, इंटरसेप्ट तक पढ़े थे हम लोग। आज हम लोग टेंजेंट की डिस्कशन करेंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, उनके डिस्कशन करें। सपोज कर लें कि ये अपना सर्कल है, ये कोई लाइन है जो इसके लिए टेंजेंट का काम करेगा। है ना, ये लाइन टेंजेंट का काम कर रहा है। ये पॉइंट का नाम हम लोग अगर पी देते हैं तो इस पॉइंट को नाम हम लोग टी दे सकते हैं। सो टेंजेंट पीटी है और टी पॉइंट पर ये टेंजेंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर पीटी, टेंजेंट पी इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, और अगर हम लोग टी से कोई लाइन परपेंडिकुलर लेते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर ले रहे हैं, देखिए ये ग्रीन लाइन जो है आपका परपेंडिकुलर दिखाया गया है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ड्रॉ किया गया है। चलो काम चला लो तुम लोग भी। ठीक है, तो ये अगर इसका नाम हम लोग टीएन देते हैं, ठीक है टीएन देते हैं, तो टीएन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अगर अपना टीएन जो है परपेंडिकुलर टू पीटी हो गया, ठीक है, देन तभी और तभी टीएन को हम लोग कह सकते हैं नॉर्मल टू द सर्कल। मतलब एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास कर। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? टी है तुम्हारा, है ना। अब इनकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, टेंजेंट की नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? सो हम लोग को इस केस में
या तो पी देना पड़ेगा या टी देना पड़ेगा। पहला हम लोग केस लेते हैं जब हम लोग को टी दिया हुआ है तब कैसे करें, है ना। पहला हम लोग केस ले रहे हैं जब पी दिया हुआ है तब कैसे करें। केस नंबर वन, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज गिवन। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज गिवन। तो हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को इस मर्तबा पी मान रहे हैं, है ना। और पी की कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन, और सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए स्क्वायर ले रहे हैं। सिंपल है ना, स्टैंडर्ड सर्कल ले रहे हैं। इसकी सेंटर कहां पर होगी, उसके कोऑर्डिनेट क्या होगी? जीरो कॉमा है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट को टी नाम ले रहा हूँ तो पीटी मेरा टेंजेंट हो गया, तो इक्वेशन ऑफ पीटी लिखनी है ना। इक्वेशन ऑफ पीटी को लिखना है। कैसे लिखेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ पी पॉइंट पता है, या तो टी पॉइंट चाहिए या फिर स्लोप चाहिए। लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए या तो दो पॉइंट चाहिए उस पे, या एक पॉइंट और एक स्लोप चाहिए, है ना। हम लोग पॉइंट तो टी पता नहीं कहाँ पर है, टी के बारे में कुछ कह नहीं सकते, स्लोप के बारे में कुछ कह सकते क्या? हाँ, एक चीज है कि अगर सी पॉइंट को पी से कनेक्ट कर दिया जाए, सी पॉइंट को पी से कनेक्ट कर दिया जाए तो ये 90 होगा ना। yes. आप देख सकते हैं कि CP परपेंडिकुलर PT हो गया। इससे क्या बेनिफिट मिला, इससे बेनिफिट ये मिला कि मैं CP का स्लोप कैलकुलेट कर सकता हूँ, और CP का स्लोप हो जाएगा स्लोप के फॉर इक्वेशन से y2 माइनस y1, मतलब y1 माइनस 0 दैट इज y1, और x1 माइनस 0 विच इज x1। सो हमें स्लोप ऑफ CP मिल गया। अगर हमें नॉर्मल की स्लोप चाहिए तब तो ये डायरेक्ट हो जाएगा ना। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जो मेरा MCB आया है ये नॉर्मल की स्लोप है। स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू MCB, है ना, इन दिस केस। लेकिन हमें टेंजेंट की स्लोप चाहिए तब, सो एम ऑफ पी टी इंटू एम ऑफ सी टी। दो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप की प्रोडक्ट क्या होती है, सर आपका माइक ऑफ है।
आवाज आ रही है ना अभी? तो यस इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं माइनस वन बाई सी बी, और सिंप्लीफाई करने पर माइनस एक्स वन बाई वाई वन हो जाएगा। तो ये स्लोप हमें मिल गया, पॉइंट मिला होगा, हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं, है ना। बट बिफोर राइटिंग द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वी कैन फाइंड द स्लोप इन ऑल्टरनेटिव वे, है ना, यूजिंग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का यूज करके कैसे फाइंड करते हैं? तो आप लोग अभी जल्दी में डेरिवेटिव सीखो, डीवाई बाई डीएक्स डिफरेंशिएशन। अगर नहीं सीखे हो, है ना, फिर भी आप देख लो, आप इस मेथड से फाइंड कर सकते। एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे टू एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे सम रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। हो सकता है आप लोग नहीं सीखे हो, जो वाई वाला में डेरिवेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एक्स जैसा ही लिखना है और उसके बाद एक वाई डैश लगा देना, ठीक है। एक्स जैसा ही लिखना है उसके बाद एक वाई डैश लगा देना, ये प्रोडक्ट में रहेंगे बराबर। और कॉन्स्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है? जीरो होता है। यहाँ से आप देख सकते हो वाई डैश की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 2x अपॉन 2y, 2 से 2 कैंसिल आउट एंड दिस इज माइनस एक्स अपॉन वाई। हम बोलूंगा कि डिफरेंशिएशन एट गिवन पॉइंट पी, है ना। सो dy बाई डी एक्स दैट इज y प्राइम, है ना, एट एक्स वन कॉमा वाई वन, एक्स वन कॉमा वाई वन विल बी इक्वल टू माइनस एक्स वन बाई। अब देख सकते हैं कि यहां से हमने नॉर्मल का यूज करके किया है और यहाँ पर बिना नॉर्मल के किया हमने, है ना, वाई डैश फाइंड कर दिया। अब जैसे ही हमारे पास वाई डैश आ गया, हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पीटी क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन, आप जीरो का भी यूज कर सकते हैं, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप टाइम्स माइनस एक्स वन अपॉन वाई वन टू एक्स माइनस। ये आपका हो गया, अगर पी पॉइंट गिवन है तो इस तरह से आप टेंजेंट लिख सकते हैं ना। तो जब टेंजेंट आप लिख सकते हैं तो नॉर्मल भी लिख सकते हैं ना। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सीपी, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमने मान लिया कि सी पॉइंट से नॉर्मल पास करता है ना, उसको मैंने जिक्र नहीं किया था, बट ऐसा होता है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है सर्कल की। सो नॉर्मल सीपी, सीपी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन, और नॉर्मल का स्लोप है वाई वन बाई एक्स वन, वाई वन बाई एक्स वन, एक्स माइनस एक्स, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन, दोनों के डेरिवेशन को याद रखना है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है नॉर्मल का टेंजेंट। और यहाँ पे प्रॉपर्टी भी आप देख सकते हो कि टेंजेंट और नॉर्मल एक तो परपेंडिकुलर होते हैं, नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करता है, सेंटर से पास करता है ना। इस पॉइंट को नोट यस सर, सकते हैं हम लोग, नोट दैट नॉर्मल इन सर्कल, ये सर्कल में ही ऐसा होता है, ठीक है। नॉर्मल इन सर्कल पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल,
सर्कल। बाकी दूसरे क्रम में ऐसा नहीं होता, सर्कल के केस में होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा केस करेंगे जब आपका बाहर का पॉइंट दिया हुआ और उससे टेंजेंट ड्रॉ कर, है ना। केस सेकंड, सेकंड केस व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ of external points are given, that is tangent from external point. ठीक है, मतलब क्या है, अपने पास सर्कल तो है, टेंजेंट भी है, लेकिन हमें बाहर का पॉइंट दिया गया है, टी का कोऑर्डिनेट पता है हमको, टी आप अल्फा गामा बीटा कह सकते हैं, हमें पी का कोऑर्डिनेट नहीं पता है ना, अननोन है, बट सेंटर ऑफ द सर्कल पता है, मान के चलो कि 0.0 है, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एस का इक्वेशन हम लोग स्टैंडर्ड रख रहे हैं, तो ये 0.0 हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल सीपी। इसमें नोन क्या है, सी नोन है और टी नोन है, पी एन नोन है। अब कितने सारे पी मिलने चाहिए, जैसे मान लीजिए कि टी से हम टेंजेंट अगर इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो पी तो यूनिक होगा ना, पी टी टेंजेंट के लिए, किसी भी एक टेंजेंट के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, यूनिक होता है। फॉर एनी टेंजेंट point of contact is unique, किसी भी tangent के लिए point of contact unique होता है, ठीक है। और एक और बात है, tangent line की center से distance क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट लाइन फ्रॉम सेंटर क्या होती है, रेडियस के इक्वल होती है, ठीक है। यस सर, यस सर। तो हम लोग को पीटी में पी नहीं पता है, तो हम स्लोप को मान लेते हैं ना, हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि पी सपोज करना बड़ा ही डिफिकल्ट होगा। पी क्या सपोज करोगे, अभी x1 y1 सपोज करोगे, फिर x1 y1 को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट बैक करोगे, फिर फंस जाओगे, है ना। तो मैं क्या सपोज करके चल रहा हूँ यहाँ पर, स्लोप सपोज, स्लोप ऑफ PT, हम लोग मान रहे हैं कि PT का स्लोप कितना m है ना, तो स्लोप m है, पॉइंट दिया हुआ है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ PT y-y1 m टाइम्स x-x। अब m कैसे फाइंड करें ना,
इन तो हमने सपोज कर लिया, हम फाइंड कैसे करें, तो उसमें हम लोग सेकंड रिजल्ट लगाएंगे, ठीक है, कि डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू कितना है, रेडियस। तो इस लाइन का 0,0 से डिस्टेंस देखते हैं। पहले लाइन की इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें, y माइनस mx, mx1 माइनस So it's a distance from origin. Center that is origin. कितने के बराबर? रेडियस के बराबर होना चाहिए ना। रेडियस का वैल्यू क्या है? a के बराबर है। मैं लिखूंगा a इक्वल टू, मॉडुलस भी यूज कर सकते हो, मॉडुलस से लिख सकते हो, n x1 माइनस y1 होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर m स्क्वायर प्लस। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। आप यहां से m फाइंड कर लोगे सॉल्व करके, और m फाइंड करके रिप्लेस कर देना इक्वेशन में। एम के कितने वैल्यूज मिलेंगे? दो वैल्यूज मिलेंगे। और अगर एम के दो वैल्यूज मिल रहे हैं तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? क्या सिग्निफाई कर रहा है? डायग्राम को से समझ सकते हैं। जैसे अल्फा कॉमा बीटा फिक्स है, एम का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, तो दोनों लाइनें अल्फा कॉमा बीटा से गुजर रही है, दोनों की स्लोप अलग है, मतलब दो अलग अलग लाइन है, और वो दोनों लाइन क्या हो गई? टेंजेंट हो गई। तो हम लोग यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अल्फा कॉमा बीटा से मैक्सिमम दो टेंजेंट आप प्लॉट कर सकते हो सर्कल। अल्फा कॉमा बीटा से मैक्सिमम दो टेंजेंट हम लोग प्लॉट कर सकते हैं सर्कल पर। मैक्सिमम ऑफ टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन from an external point. External point से maximum हम लोग दो tangent draw कर सकते हैं, something like this. मतलब कुछ इस तरह से यहाँ पर भी टच कर रहा है और यहाँ पर भी टच कर रहा है, ठीक है ना। तो ये दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। एक आप लोग करके दिखाओ, एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप लोग ट्राई करो। सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस
सॉरी कर लीजिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट माइनस रूट थ्री कॉमा वन, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट्स फ्रॉम सिक्स कॉमा जीरो। देखिए अटेम्प्ट कर, यहाँ से आ कितना कैसे निकाल 0.5 इक्वल टू यहाँ से निकल रहा है तो a sin ओमेगा t से निकल रहा है कितना है 5/6 है ठीक। अभी 5/6 पर था और यहाँ जाता है तो बहुत अच्छा यस चला गया तो 5/6 ऐसा नहीं होता यहाँ तो 5/2 होता ऐसा नहीं जो आधा लग जाता है तो डेरिवेटिव सही से करो। अब ये देखो आप यहाँ से यहाँ तक डेरिवेटिव गड़बड़ाया यहाँ से यहाँ
जोड़ दो यहां से आगे काम करो और 5 बाय 2 माइनस 5 बाय 6 और फिर यहां से हम 5 बाय 2 माइनस 5 बाय 6 ऐसा नहीं कि आधा पर है तो 5 बाय 6 5 बाय 6 5 बाय 6 तो ये क्या होगा जो से भी कम होगा तो पहले ज्यादा भी दे देना फिर ये कम हो जाएगा दो मिनट और ट्राई करिए आ गया। देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग ना ये सर्कल ले लिए, इसका सेंटर डिनोट कर दिए है ना, रेडियस भी दिया हुआ है, टू डिनोट कर दिए। अब हमारे को फर्स्ट सॉल्व करना है। सो माइनस रूट थ्री पॉइंट वन, रूट थ्री कॉमा वन, माइनस रूट थ्री कॉमा वन, ये पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये पॉइंट आपको सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कहीं पर भी दिखा सकते हो। वैसे ये सेकंड क्वाड्रेंट की पॉइंट है, बट मैं सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे अपने मन से ले रहा हूँ, है ना। ये मेरा पी पॉइंट है। अब मुझे माइनस रूट थ्री कॉमा वन पे स्लोप चाहिए टेंजेंट का, है ना, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव अगर आप करते हो तो क्या मिलता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू निगेटिव एक्स बाई वाई, है ना। और एट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी माइनस रूट थ्री कॉमा वन विल बी इक्वल टू कितना, माइनस माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय वन, मतलब रूट थ्री। स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा,
y माइनस वन रूट थ्री टाइम्स x माइनस माइनस रूट थ्री मतलब प्लस, है ना, ये टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। और टेंजेंट का ये इक्वेशन लिख तो अच्छी बात है, लेकिन हमेशा क्या कोशिश करना चाहिए, इसको जनरल फॉर्म ऑफ लाइन में लिखना चाहिए, y माइनस रूट थ्री एक्स और ये आपका रूट थ्री थ्री और ये वन इक्वल टू फोर, ठीक है, ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन है। सर प्लीज एक्सप्लेन कीजिए ना एक बार। देखो डिफरेंशिएशन, देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x हो गया ना, ये हो गया 2x, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y into y dash equal to 0, हम लोग लिखेंगे y dash equal to minus xy, है ना, yes sir, यही क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है किसी भी कर्व, ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है, फॉर एनी कर्व ये चीजें डिफाइंड है। सो टेंजेंट की इक्वेशन हमें मिल गई, है ना, इस पॉइंट पर। अब हम लोग देखते हैं कि 6.0 अगर मैं बात करता हूं, तो अब इसके लिए दूसरा डायग्राम बना रहा हूं ना, मान लो कि ये आपका सर्कल है, ये आपका 6.0 पॉइंट है, ये P, और यहां से आप कोई भी एक लाइन को मान रहे हो कि ये टेंजेंट है, मान लिया कि इसका स्लोप कितना m है, मुझे स्लोप ही नहीं पता, है ना, मैं स्लोप को m मान रहा हूं, सो लेट्स अनिशान अभी क्लास में हो, 4:30 तक फ्री होगा, ना ना मैं ही हूँ ऑफिस में, हाँ आ जाए, एन आई आ जाए नौका नगर में, हाँ आ जाए ना, नहीं हाँ हाँ क्लास वर्क तो आ जाना है, आ जा फिर देखो, ये ठीक है 4:30 तो पक्का मन निकल सको, आ जा। तो यहाँ पे हम लोग टेंजेंट की स्लोप को क्या मान ले, एम मान लेते हैं, लेट एम बी स्लोप ऑफ टेंजेंट्स, इस बार फ्रॉम वर्ड यूज करना पड़ेगा क्योंकि पी बाहर है, एट नहीं, फ्रॉम पी, ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एम के टर्म में, देन टेंजेंट्स आर हैविंग इक्वेशन वाई माइनस जीरो इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस सिक्स। So writing this equation in terms of general equation, we see that y minus mx and plus 6m as our tangent. ना अब क्या करना, ये tangent मिल गया, m decide करनी है, to decide m हम लोग क्या करेंगे, center से distance इसका radius के बराबर करेंगे, center से perpendicular distance इसका radius के equal करनी है। So, हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस, रेडियस कितना है, 2 इक्वल टू मॉडुलस 6m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m स्क्वायर ओवर, यहां से आप देख सकते हो कि आपका आ गया 4 प्लस 4m स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो 6m का 36m स्क्वायर हो जाएगा ना स्क्वायरिंग करने पे, देखो मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर रहा हूँ फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, और यहाँ से आपका आ गया 4 इक्वल टू 32 एम स्क्वायर और एम स्क्वायर इक्वल टू 1/8, एम स्क्वायर जैसे ही 1/8 आ गया एम का वैल्यू हमें मिल गया। ये बहुत ही ट्रिवियल केस है सारे, है ना, काफी आसान थे, m का वैल्यू 1/8 आ गया, m का वैल्यू प्लस माइनस
1/2√2 आ गया ना। अब m का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आर y इक्वल टू प्लस और माइनस 1/2√2 x माइनस। ये यूजुअल प्रोसेस है, ये किसी भी सर्कल में लगा सकते हो आप। अभी हमने स्टैंडर्ड सर्कल आपको दिया है, हम लोग जनरल सर्कल भी ले सकते हैं। सो प्रोसेस आप लोग को क्लियर है ना। एक मैं जनरल सर्कल आपको दे रहा हूं, उसमें करके देखो सेम चीज। राइट टेंजेंट, राइट टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10y इक्वल टू 15 एट पॉइंट फोर माइनस 11। इस पर लिख करके देखो, पहले डायग्राम बना लो, सेंटर डिकोड कर लो, है ना, और ये पॉइंट को भी चेक कर लेना कि ये सर्कल पर का पॉइंट है या नहीं है। अगर नहीं रहेगा तो बता दीजिएगा कि ये पॉइंट सर्कल का नहीं है।
देखिए कैसे करना है। जैसे अगर मैं ये सर्कल लेता हूं है ना, तो इस सर्कल की सेंटर बता सकते हैं आप लोग क्या? सर्कल की सेंटर -3/2 + 5। ठीक है, -3/+3/2, 5 -5 है ना? Yes, sir. ये सेंटर हो गई अपनी, और कहीं पर पी पॉइंट ऐसे ही रेंडम दिखा देंगे, हो गया पी पॉइंट। पी की कोऑर्डिनेट है 4, -11, और यहां से जो भी टेंजेंट बनेगी है ना, वो टेंजेंट जो है इस सीपी के परपेंडिकुलर हो गया। सो हम लोग को एम ऑफ सी पी पता है, एम ऑफ सी पी क्या हो जाएगा? -5 -11 और 3/2 -4। न्यूमरेटर में हो गया 6/, डिनोमिनेटर में हो गया 2.5 माइनस, मतलब 5/2, मतलब 12/-5। ठीक है, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1/slope of CP। यस सर। और ये हो जाएगा आपका 5/12। सिंप्लीफाई करें तो अब तो कुछ डिफिकल्टी नहीं है ना, वाई --11 इक्वल टू 5/12 डू x-4। सिंप्लीफाई कर लें है ना, 12 × y 12y और 12 × 11 132 और 5x-20, और इसको सिंप्लीफाई आउट करेंगे तो मिल जाएगा हम लोग को 12y - 5x और x of 12 = 0। सर हाँ, इस क्वेश्चन में आपने डेरिवेटिव्स की मेथड से क्यों नहीं किया? अच्छा हाँ, डेरिवेटिव बिल्कुल यूज कर सकते हैं। चलो आ जाओ, अल्टरनेटिव मेथड बहुत बढ़िया, हम लोग डेरिवेटिव बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इक्वेशन दिखते रहना चाहिए है ना। चलो ठीक है, एकदम काम चला लेते हैं। स्लोप भी तो फाइंड करना है ना, अगर स्लोप में यहां तक पहुंचा दूं 5/12 तक तो हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग डेरिवेटिव में सिर्फ डिफरेंशिएशन लिखेंगे ना, डेरिवेटिव x² का डेरिवेटिव 2x,
वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई इनटू एडेस एडेस माइनस थ्री एक्स का माइनस थ्री और टेन वाई का टेन वाई डेस इक्वल टू जीरो। वाई डेस को कलेक्ट कर लें है ना, तो आपका हो जाएगा टू वाई प्लस टेन वाई डेस इक्वल टू थ्री माइनस टू एक्स, नहीं होगा? यस सर। तो देखिए क्या क्या वैल्यू मिल रहा है, y dash इक्वल टू थ्री माइनस टू एक्स वाई टू वाई प्लस टेन, सो एड एड फोर कॉमा माइनस इलेवन y dash क्या हो जाएगा थ्री माइनस एट टू इंटू फोर होल अपॉन टू इंटू माइनस इलेवन प्लस टेन और ये ओवरऑल आपका 5 बाई 12 यस सर सेम आ गया ना। तो आप दोनों मेथड से जा सकते हो। डेरिवेटिव मेथड क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट को कनेक्ट नहीं कर रहा, ये आपको कैलकुलस को भी कनेक्ट कर रहा, उससे क्या होगा कि कैलकुलस वाला चीज थोड़ा तो याद रह जाएगा टेंजेंट नॉर्म इससे करने से। एक और मैं आप लोग को दे रहा हूँ है ना, उसको देखो ट्राई करके, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है ना, जो सवाल में लिख रहा हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है। ये मोर देन राइटिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल है, आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड करनी है। अभी तक मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए कुछ भी नहीं बताया, बट आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो कि कैसे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट करना है। फाइंडिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट लाइन y इक्वल टू x प्लस c रूट टू फॉर द सर्कल For the circle x square plus y square, x square plus y square equal to c square. Point of contact find करना मतलब ये line इस circle को कहाँ पे touch करता है, इसके लिए diagram मैं plot कर देता हूँ, आप लोग कोशिश करो। देखो बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, अगर आपको ये लगता है कि बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन होने लगेंगे है ना, कि बाकी चैप्टर्स में होता है, कोऑर्डिनेट में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, हर तरह की नॉलेज चाहिए। इसी पॉइंट को फाइंड करना, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा,
लेकिन कैसे काम करेंगे इसमें? एक आप लोग को हम लोग इंटरसेप्ट जब डिस्कस कर रहे थे है ना, तो वहां पर पॉइंट ऑफ दो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता था, उसको हमने कभी फाइंड करने का ट्राई नहीं किया है ना। हम लोग इस बार क्या करेंगे कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड करने का ट्राई करते हैं। क्या हम लोग मान सकते हैं कि ये अल्फा कॉमा बीटा है? Yes, sir. है ना, तो अल्फा कॉमा बीटा मतलब इस इक्वेशन को, लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। Yes, sir. तो हम लोग लिखेंगे बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू अल्फा प्लस सिरू। दूसरी चीज क्या होगी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा कि हम लोग बीटा का स्क्वायर कर सकते हैं और इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर प्लस और इसको सब्स्टिट्यूट बैक करो है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर अल्फा स्क्वायर टू सी स्क्वायर टू रूट टू अल्फा इंटू सी इक्वल टू सी स्क्वायर लिख सकते। और इस सी स्क्वायर को एलएचएस में लाओ, यहां से मिल गया टू अल्फा स्क्वायर माइनस, अच्छा ये प्लस में ही है, टू रूट टू अल्फा इंटू सी और प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू। हम लोग फाइंड क्या करना, अल्फा फाइंड करना है या सी फाइंड करना है? सर अल्फा। तो कैसे फाइंड? क्वाड्रेटिक आ गया है। क्वाड्रेटिक आ गया है। क्वाड्रेटिक। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस टू रूट टू इंटू सी प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया देखो, एट सी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये भी तो एट ही आ गया जी। यस सर। क्यों ऐसा हुआ, अल्फा का यूनिक वैल्यू मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा? यहाँ पे डी जो है आपका जीरो हो रहा है ना, दैट इज अल्फा का वैल्यू यूनिक मिल रहा है, अल्फा इज यूनिक। वाई? इसलिए कि हमने बताया था कि हर एक टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर एवरी टेंजेंट इज यूनिक। इसीलिए आपका क्या हो गया, डी जीरो के बराबर हो गया। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू आपको मिल गई, अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफाई आउट करोगे तो माइनस सी बाई रूट टू मिल जाएगा। जैसे ही अल्फा मिल गया आप सी बाई रूट टू जाइए और बीटा फाइंड करिए और बीटा विल बी इक्वल टू सी बाई रूट टू। ठीक है, ये एक अप्रोच हुआ, इसीलिए हमने एम वन लिखा मेथड वन। Now we will focus on the method two. मैं दो method इसलिए बता रहा हूँ कि conic section में हो सकता है कि दूसरा method कभी कभी मैं इस्तेमाल करूँ। हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा बीटा फाइंड करनी है ना, इक्वेशन मोर और लेस सेम बनेगा लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से। अल्फा बीटा पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, टेंजेंट एट अल्फा बीटा, स्लोप क्या होगा टेंजेंट का, वाई माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा बाई बीटा विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव साइन सर नेगेटिव। तो यहां से हो जाएगा आपका अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई
और माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू जीरो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अकॉर्डिंग टू सपोजिशन? As we have supposed coordinates of P to be alpha and beta, that means P satisfying circle equation. And if P satisfies circle equation, then alpha square plus beta square again will be equal to C square. C here, है ना? So हमारा tangent का equation simplified structure में है. Alpha x plus beta y minus C square equal to zero. Alpha comma beta जो है इस पॉइंट से गुजरने वाली टेंजेंट का इक्वेशन y इक्वल टू x प्लस c रूट टू है, बट हमारा अल्फा बीटा के टर्म में कोई दूसरा इक्वेशन आ रहा. सो इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड मस्ट बी, है ना, क्या उसको बोलते हैं, प्रोपोर्शनल, है ना, आइडेंटिकल बोलेंगे, है ना. वन एंड सेकेंड मस्ट बी आइडेंटिकल लाइन. Identical lines. इसलिए क्या करेंगे हम लोग, जब दो लाइन आइडेंटिकल होते हैं उनके कोएफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होती है किसी को याद? उनके कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल होते हैं, उनके कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है. सो प्रोपोर्शनलिटी लिखने के लिए हमको लाइन का स्ट्रक्चर एक ही स्टाइल में लिखना होगा, जैसे x माइनस वाई, है ना, x माइनस वाई और प्लस c रूट टू इक्वल टू जीरो. ऐसे जब मैं लिखूंगा ना तब जाके प्रोपोर्शनल बनाना आसान होगा. सो लिखेंगे हम लोग प्रोपोर्शनल के लिए अल्फा अपॉन x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में डिवाइडेड बाई x का कोएफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन, y का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में और y का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में और कांस्टेंट कोएफिशिएंट फर्स्ट में और कांस्टेंट कोएफिशिएंट सेकंड. और आप देखो कितना आसानी से हम लोग को अल्फा मिल गया माइनस सी बाई रूट टू और बीटा यहां से देखेंगे सी बाई. यस सर. तो ये आपको आसान इसलिए पड़ा क्योंकि आपका सेंटर ओरिजिन है. अगर आपका सेंटर ओरिजिन नहीं होता तो ये काम करना डिफिकल्ट होता, फिर ये काम ज्यादा आसान होता. तो दोनों काम आप समझ करके रखेंगे कि ऐसे भी किया जा सकता है और दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है. अब हम लोग क्या करेंगे, एक और रिजल्ट पर चलते हैं. जैसे कोई भी लाइन एम स्लोप की है, सर्कल की टेंजेंट बनेगी तो उसके इंटरसेप्ट के साथ रिलेशन क्या होगा, रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड इंटरसेप्ट. ये ज्यादातर स्टैंडर्ड सर्कल के लिए किया जाता है, लेकिन दूसरे सर्कल में भी हम लोग कर सकते हैं. जैसे अगर सर्कल है x square plus y square minus a square equal to zero, है ना, और मैं लाइन इसको y minus mx स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो इसको टेंजेंट मान रहा हूं, अगर ये टेंजेंट है तो अगर ये लाइन टेंजेंट है इसका मतलब क्या हुआ कि इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस के बराबर होगा और रेडियस ए के इक्वल है ना. सो यहाँ पे सेंटर हमारा क्या हो गया 0,0 और रेडियस ए को पॉजिटिव मानते हुए मैं ए लिख सकता हूँ. तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ L, distance of L equal to zero from center of circle origin must be equal to radius. है ना,
इसको हम लोग कोऑर्डिनेट का स्ट्रक्चर में लिखेंगे, ओरिजिन से डिस्टेंस मॉडुलस सी बाय रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहां पे रेडियस का वैल्यू कितना है a, सो ऑन स्क्वायरिंग वी कैन सी दैट c स्क्वायर इज बीइंग इक्वल टू a स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर। सो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि ये रिलेशन तो होता ही है, कई बार हम लोग इसको इंडिविजुअल प्लस माइनस वैल्यू लिखते हैं, बट मैं प्लस माइनस इस पर इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है, प्लस माइनस नहीं इग्नोर कर रहा हूं। c का वैल्यू क्या आ जाएगा, a टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर आ जाएगा, मतलब कोई भी लाइन अगर टेंजेंट होगी ना तो उनके c और m के बीच में यही रिलेशन, कोई भी लाइन अगर टेंजेंट होगी तो उनके c और m के बीच में यही रिलेशन, ये एकदम ध्यान में रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर बोलो, आपने लिखा है डिस्टेंस ऑफ l इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 0,0 इज इक्वल टू रेडियस, यस, इसका मतलब ये हुआ कि ये l जो मेरा है ये टेंजेंट है ना, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना होता है, रेडियस, वही चीज मैंने लिखा है कि डिस्टेंस ऑफ l इक्वल टू 0 यस फ्रॉम सेंटर। Yes, ये याद रखना है, तो हम लोग कभी भी देखेंगे मॉड्यूल वगैरह में भी देखोगे कि टेंजेंट का स्ट्रक्चर जो लिखता है, टेंजेंट इक्वेशन स्ट्रक्चर, क्या होगा, वाई इक्वल टू एम स्लोप हमने मान लिया, सी का वैल्यू पता नहीं है, सो प्लस माइनस a स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करके आप किसी को भी, मतलब प्लस को भी लेकर के चल सकते हो, माइनस को भी लेकर के चल सकते हो, लेकिन कई बार ये काम नहीं करता क्योंकि हमको आइडिया नहीं रहता ना कि इंटरसेप्ट का वैल्यू प्लस में आने वाला है या माइनस में आने वाला है, ठीक है, तो ये याद तो रख सकते हो कि ये आपका टेंजेंट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा काम नहीं करता है, काम करेगा लेकिन इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा, बट मैं रिजल्ट लिखवा दिया हूँ, इसको आप लेकर के चल सकते। जैसे मैं अगर पूछता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसको सॉल्व करके देखो, y इक्वल टू kx माइनस 3 इज अ टेंजेंट टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, फाइंड k, मैंने इंटरसेप्ट दिया आपको, स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, देखिए ट्राई करिए, अभी समय है ना, इसमें तो आंसर ला सकते हो तुम लोग, एकदम रिजल्ट ऊपर में लिखा हुआ है, yes, square equal to a square times 1 plus m square.
यश आया? यस सर। क्या आया? के का वैल्यू? ओके सर। सभी यस सर, ओके आया। सर रूट डेट ही आया। रूट टेन, रूट एट, एट, यस सर, रूट एट। ठीक है, बहुत अच्छा। प्लस माइनस में ना? यस सर। बहुत अच्छा। ये देखिए सब लोग, इसी रिलेशन को यूज करना है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वन ए स्क्वायर इनटू वन प्लस एम स्क्वायर। एम की जगह पर क्या है? सी की जगह पर क्या है? सी की जगह पे माइनस थ्री है, ए की जगह पे वन है, वन प्लस एम की जगह पर हम लोग को फाइंड करना है, मतलब के है ना, एम की जगह पे यहाँ पे के। तो ये हो गया नाइन, वन प्लस के स्क्वायर इक्वल टू एट और के इक्वल टू प्लस माइनस टू, है ना। ऐसा सिंपल विंपल वाला जितना भी है सब रिवाइज कर लो, मॉड्यूल से भी ट्राई कर सकते हो तुम लोग, टेंजेंट वगैरह नॉर्मल वगैरह भी ट्राई कर सकते हो, है ना। टेंजेंट एट द पॉइंट भी बता दिया, फ्रॉम द पॉइंट भी बता दिया, वो हर तरीके का तुम लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आज इतना ही है, हैव अ नाइस डे, बाय सर। थैंक यू सर। सर रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। हाँ अरे हाँ ठीक है, सेंड कर दूंगा। Thank you.